किसी अभी अपराधी चबित के लोगों को यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे तो सिवान की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बड़ी कुर्बानी के बाद अपराध से मुक्त सिवान के लोगों को मिला है। फिर से सिवान में अपराधी पैर न पसारे, इसके लिए हम कुछ भी करना होगा, हम करने के लिए धन्यवाद। बीजेपी को कमल उठाने नहीं देना है, मेरी अगली रणनीति यही होगी कि फिर से सिवान में अपराधी पैर न पसारे, इसके लिए हम कुछ भी करना होगा, हम करने के लिए धन्यवाद। किसी नेता पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं और देश में एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के। क्या आपको लगता है कि बीजेपी से अगर जदयू में ये सीट गया तो ये सीट सिवान से निकल पाएगा? कोई सशक्त आपके जितना ताकतवर उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद नहीं? हम तो माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह किए हैं कि अगर जदयू में खाते में सीट चला गया है तो संत आत्माराम कुशवाहा उनके पार्टी के बड़े नेता थे, इंजीनियर सुरेंद्र पटेल उनके बड़े नेता थे, अगर उनके विधवाओं को अगर सिंबल दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग जीता। आज चार पाँच अगर नीतीश कुमार मनमाने तरीके से किसी अभी अपराधी चबित के लोगों को यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे तो सिवान की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बड़ी कुर्बानी के बाद अपराध से मुक्त सिवान के लोगों को मिला है। फिर से हम अपराध आज जिस तरह की भीड़ आपके समर्थकों की यहाँ पे देखी गई है, क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े? नहीं, ये तो एनडीए के जनता दल यू के उम्मीदवार के आने के बाद हमारे समर्थक बैठ करके यहाँ के लोगों से बात करेंगे तो उसके बाद हम लोग। अगर इस एनडीए से किस व्यक्ति के नाम की चर्चा आ रही है अजय सिंह, अगर उनको टिकट मिलता है तो आप क्या? नहीं, हम तो अभी तो नाम नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो फिर हम लोग बैठ कर बात करेंगे। देखिए बाइक रैली निकलने वाली है, उम्मीद कर रहे हैं मोदी के नारों के साथ बाइक रैली लगा रहे हैं। देखिए साफ तौर पर ये एक शक्ति प्रदर्शन है, इस शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से चलिए।